हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूँ आपकी अपनी हूँ सिमरन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में होने वाली बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम, जो कि होती है पैरों में दिक्कत। पैरों में आपको सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो इसके क्या कारण होते हैं। और लिटरली जो आर्टिकल्स आपने देखे होंगे जो वायरल हुए हैं कि इससे बॉय होता है गर्ल होता है, क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और थोड़ा जो है आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या ये आपके फर्स्ट वीडियो हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सुबह 10 बजे रोज़ एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो दिखती है जो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में आपका बहुत ज़्यादा साथ निभाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा जाता है पैरों में सूजन आना कई महिलाओं के आती हैं, कई महिलाओं के नहीं आती, तो उससे जेंडर प्रेडिक्ट होता है। जेंडर प्रेडिक्शन की बात तो मैं बाद में करूँगी, पहले बता देती हूँ कि सूजन क्यों आती है। तो हमारी बॉडी में जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, जैसे ही हम कंसीव करते हैं, बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, फिजिकली मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को कोई दिक्कत होती है तो कुछ को कोई दिक्कत होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम खुशी से जा रही है बिना किसी दिक्कत के, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी महसूस करिए, क्योंकि दिक्कत रहना प्रेगनेंसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जो हर महिला को कोई ना कोई पेन के थ्रू रहता है। तो पैरों में सूजन आना इसका मतलब है या तो आप खड़े ज़्यादा रहते हैं, या तो आपका काम ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा चलते हैं। कुछ महिलाएं एक्सरसाइज ज़्यादा करती हैं, कुछ को आदत होती है कि वो रेस्ट नहीं करती और ज़्यादातर खड़े होकर काम करती हैं। उस टाइम क्या होता है, बच्चे का वज़न जो होता है हमारे पेट पर पड़ता है और पेट का सारा दबाव पड़ता है हमारे पैरों में। अगर हम इतना ज़्यादा वज़न लेकर खड़े रहेंगे, लाइक आप 2 मिनट खड़े होइए, फिर आप थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर 5 मिनट खड़े होइए, फिर बैठ जाइए, लगातार आप 20 से 25 मिनट अगर खड़े रहते हैं, चाहे वो किचन में रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, तो आपको पैरों में सूजन नज़र आएगी, क्योंकि आपका पैर को आपके पैरों को इतनी आदत नहीं होती कि वो इतना सारा वजन एक साथ उठा पाए। और उस टाइम पे आपकी बॉडी में इतनी कमज़ोरी आ रही होती है, क्योंकि जिंक की कमी हो जाती है। जिंक में हमारे जो खून होता है, खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी हो जाने से कुछ विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाने में, कुछ जो होती हैं औरतें वो न्यूट्रिएंट्स इतना नहीं लेती, पौष्टिक आहार नहीं लेती, जिसकी वजह से भी उनको कहीं ना कहीं कमज़ोरी महसूस होती है। तो इतनी कमज़ोरी होने के बावजूद अगर आप इतना भार लेकर अपने साथ रोज़ाना खड़ी रहेंगी चलेंगी, तो ऑफकोर्स आपको पैरों में सूजन आएगी ही आएगी। कई महिलाओं को दर्द भी रहता है, पूरे दिन काम करती रहेंगी, रात को कहेंगी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो देखो, सूजन आई है तो दर्द होना तो जायज़ सी बात है, तो दर्द भी रहेगा। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अवॉइड कर सकती हैं खड़े होना, और वॉकिंग वगैरह है उसको अवॉइड कर सकती हैं, साथ साथ में है जो आपका जितना काम आप बैठ के कर सकती हैं वो करिए। और अगर आप बाहर लाइक वर्किंग वूमेन हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए आप, कि आप पैदल ना जाकर अपना कोई व्हीकल लेकर आप जाए। तो ये सब चीज़ें आप सूजन को कम करने के लिए कर सकती हैं। थोड़ा सा टाइम मिले तो आप हल्का सा गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के रखिए, पैर रखिए, उससे भी सूजन कम होती है। उसके साथ साथ आप अपने पैरों की मालिश करिए, उससे भी आपको दर्द और सूजन कम महसूस हो। साथ साथ में अगर आप जैसे बैठती हैं, आप चेयर वगैरह पे बैठती हैं, तो आपने देखा होगा पैर जितनी देर आप लटकाए रखेंगे तो पैर जो हवा में इतना बैलेंस नहीं बना पाते भारीपन होने की वजह से। इसलिए आपको जो है वो बेड पर बैठना चाहिए, कंफर्ट जो जिसमें आप कंफर्ट महसूस करें वैसे बैठिए। उसके साथ साथ कई महिलाओं को जो है उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, आप कह सकते हो कईयों की एड़ियाँ गुलाबी होती हैं, मगर गुलाबी नहीं रहती, उसका कारण क्या होता है। तो देखिए, इससे भी जेंडर प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। कहा गया है कि अगर आपकी एड़ियाँ फटती नहीं हैं, गुलाबी रहती हैं, तो लड़का होता है, वहीं अगर एड़ियाँ आपकी फटती हैं, गुलाबी नहीं रहेंगी, तो लड़की होगी। अगर आप खुद लगाएंगे, अगर आप नंगे पैर घर में चलती रहेंगी, सर्दी के टाइम आप बिना जुराब पहने चलेंगी, या फिर कोई भी केमिकल वाले सोप का यूज़ करेंगी, ऐसा कोई भी काम करने से आपकी एड़ियाँ फटेंगी। उसमें ना लड़का ना लड़की कुछ भी हो, आपकी एड़ियाँ फटना जायज़ है। वहीं अगर आप अपने पैरों का ख्याल रखती हैं, टाइम टू टाइम उसको मॉइस्चराइज़ करती हैं, उस पर जो है केमिकल फ्री साबुन का इस्तेमाल, क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो एड़ियाँ वो फटेंगी नहीं और उससे भी ज़्यादा स्मूथ रहेंगी। तो ये भी जेंडर प्रेडिक्शन के लिए एकदम गलत है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी सबसे ज़्यादा नीड हो। थैंक यू सो मच।